एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल ऑफ डूइंग फाइन। सो मैं भी एकदम बढ़िया हूं गाइस, आप लोग के दुआ से। तो मैं रेडी हो गया, रेडी होकर वीडियो स्टार्ट कर रही हूं। मैं जा रही हूं तेजपुर, कुछ काम है, इंटरव्यू काइंड ऑफ टाइप कुछ ऐसा है तो बुलाया है। सो मैं जा रही हूँ, तो चलो चलती हूँ, जाके देखती हूँ। फिलहाल मैं श्योर बोल नहीं पा रही हूँ किस लिए बुलाया है, तो जाके देखूँगी, फिर पता चलेगा, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं जाने के लिए रेडी हो गया, तो चलो जल्दी जल्दी निकलती हूँ, जाके देखती हूँ क्या हाल है। मैंने CV दे के रखा था, तो मेरे को बुलाया, किस लिए बुलाया, कुछ होगा शायद, कुछ बात डिस्कसने के लिए होगा। तो मैं जा रही हूँ, जाके देखती हूँ। तो चलो चलती हूँ आगे, आप लोगों से मिलती हूँ, चलो बाय। तो गाइस गाड़ी में मेरे को एक ही सीट मिला, जल्दी जल्दी मेरे को पहुँचना है। उधर दादी के साथ बैठे हो, दादी ना हाथ में मुर्गा लेके जा रहे हैं, जिंदा जीता जाता मुर्गा। तो मेरे को कुछ अजीब टाइप फील हो रही है। पहुंच जाऊंगी, डॉक्यूमेंट्स लाना भूल गया, पता नहीं क्या होगा। तो मेरा तो गला सूख रही है, मेरे को आधार कार्ड और ID वगैरह लाना था, तो भूल गया। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, अगर ऐसे आया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखती हूँ जाके क्या होते, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी, फिर आप लोगों से दिखाऊँगी मतलब किससे बुलाया है। तो गाइस यहाँ पे रूट का काम चल रही है, तो गाड़ी यहाँ पे जाम हो गया, यहाँ पे गाड़ी वेट कर रहे जाने के लिए। तो देखो कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ है, पुलिस का गाड़ी है, जो एम्बुलेंस वगैरह आते हैं ना, तो सबसे पहले ना एम्बुलेंस को जाना देना चाहिए। अगर आप कोई भी मतलब गाड़ी चालक मेरा जो वीडियो देख रहे हो ना, तो भैया आप लोगों से निवेदन है, आप लोग जो एम्बुलेंस जाते हैं ना, उन लोगों को प्लीज़ थोड़ा सा साथ दे दो, क्योंकि बहुत ख़राब लगती है। पता नहीं किससे किससे सिचुएशन में होते हैं बीमारी लोग, गाड़ी में लेके जाते हैं, तो उन लोगों को मतलब साथ देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। तो देखो भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं गाड़ी से उतर के अभी ऑटो पकड़ने के लिए जा रही हूँ, तो मैं गाड़ी से उतर के मैं तो कम कम ही गया, ज़्यादा टाइम वेट करना नहीं पड़ा, वेट तो नहीं करना पड़ा, लेकिन मैं 15 मिनट लेट हो गया, पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा वहाँ से। तो जाकर देखती हूँ, लोगों को जाना भूल गया, बहुत सारा पासपोर्ट फोटो लाना भूल गया, देखती हूँ जाकर। यहाँ पे कितना प्यारा सा देखो गेट बना हुआ है ईद के लिए। तो यहाँ पे मैं म्यूजिक स्कूल आई हूँ, म्यूजिक क्लास आई थी, सर से कुछ बात करनी थी मेरे को, तो कुछ पूछना था, तो सर है नहीं फिलहाल, ऑफिस बंद है, तो 12 बजे के बाद आने के लिए बोला, लेकिन मैं 12 बजे तक वेट नहीं कर पाऊँगी, मेरे और भी काम है, तो मैं चले जाऊँगी। तो बस मैं पार्लर में आई हूँ, लगता है बहुत ज़्यादा भीड़ है, जाओ नहीं जाओ सोच रही हूँ, मेरे को और भी बहुत सारे काम है यस, तो जाके देखती हूँ, ज़्यादा भीड़ होगा तो नहीं करेंगे, मेरे को थ्रेडिंग करवाना था, देखती हूँ। मैं थ्रेडिंग कर लिया, इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो मेरे को अभी जाना है मैम से मिलना है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, पता नहीं जावा नहीं जाओ ऐसे लग रही है, तो जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा, आई हूँ तो जाऊँगी। तो धूप देख रही हो ना कितना कड़क धूप निकली है, तो चलो चलती हूँ। बस मैं जा रही हूँ मार्केट के अंदर, मेरे को थोड़ा काम है, कुछ ले लेती। तो गाइस भीड़ देखो कितना ज़्यादा भीड़ है, और बहुत अच्छे लगते हैं जब मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, सब लोग शॉपिंग करते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। तो ईद का मार्केट है, देखो भीड़ तो हो गए।
गाइस मैं मार्केट के अंदर आ गया। मैं यहाँ पे मेरे को कुछ कॉस्मेटिक सामान लेना था। मेरे को आई लेंस और आई लेसेस लेना था क्योंकि मेरे को फ़ोटोशूट करनी थी। सो फोटोशूट का जो वीडियो हो मेरा दूसरा चैनल में देखने को मिलेगा, एमटी स्टाइल में देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मेकअप का सामान मैं ले रही हूँ। यहाँ पे मैं पुस्ता खा लेती हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो किस काम के लिए आई हूँ, काम तो दो तीन काम कंप्लीट हुआ और एक जो मेन काम है कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स लाना भूल गई थी। तो अभी घर जाने वाली हूँ, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी, तो फिर पुस्ता खा लेती हूँ। तो यहाँ से मैं पुस्ता खा लेती हूँ। मैं यहाँ पे माइक देख लेती हूँ, मेरा माइक जो गुम हो गया, पता नहीं कहाँ पे शीश ने गिरा दिया, मेरे को नहीं मिल रहे। तो बिना माइक के वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे को अभी लेना है ग्लूकोज मम्मी के लिए, मम्मी पापा के लिए ग्लूकोज लेना है। माइक मैंने देखा, मेरे को मिला नहीं अच्छा, तो मैं देखती हूँ यहाँ पे ग्लूकोज मिल जाए तो ग्लूकोज। गाइस मेरा लगभग सारे काम कंप्लीट हो गए, अभी मैं जा रही हूँ घर, मतलब ऑटो स्टैंड तक जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, मतलब शरीर में धूप धूप रही है, बहुत ज़्यादा कड़क लग रही है धूप। और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ था, मार्केट भी मतलब काम था लेकिन सारे काम मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया मार्केट का। तो फिलहाल तो मैं घर के लिए जा रही हूँ, मतलब ऑटो स्टैंड तक जा रही हूँ। तो गाइस मैं ऑटो के लिए वेट कर रही थी, तभी मेरे को दादी देखने को मिला यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैं दादी के पास जाके बात की, मतलब जो भी कोई ऐसे इंसान बैठे रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, मतलब उसके लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहे है। तो मैं खुद ही जाती हूँ और बात करती हूँ, कभी मेरे से 100% का हेल्प हो जाए उन लोगों के लिए तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं हेल्प करना। सो मैं कोई भी मतलब ऐसे आसपास बैठे रहते ना, मैं हमेशा जाती हूँ और मेरे को अच्छे लगते हैं उन लोगों के साथ बातें करना, उन लोगों के बारे में जानना। मेरे से कुछ भी हेल्प हो जाए तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। तो गाइस यहाँ पे एक चाची मिला है देखो, तो मैं बहुत बात कर रही थी, मतलब नानी मिला, दादी टाइप का है, तो मैं उससे बात कर रही थी। मतलब इंसान का लाइफ क्या होती है, सबका अलग अलग होते, तो सुन के कुछ बुरा लगा। तो गाइस मैं ऑटो के लिए वेट कर रही थी, यहाँ पे मेरे को टमटम मिल गया, टमटम वाला भैया बोल रहे जाना है तो चलो, तो मैं टमटम से जा रही हूँ। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर एंड करना चाहूँगी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।